फिलहाल मैं हूँ कल्पा में, कल्पा या कल्पा से ऊपर एक गांव पड़ता है, वहाँ पे हूँ। और हाँ, मैं आपको किन्नर कैलाश दिखाता हूँ, अभी जूम करूँगा मैं। देखो अभी मैं पॉइंट लगा दूंगा और जूम हो जाएगा इसमें। हाँ, ये जो दिख जहाँ पे मैंने जूम किया है, ये है किन्नर कैलाश। तो भक्तों, भोले के भक्तों, दर्शन कर लो। तो भैया सुसाइड पॉइंट जा रहे थे हम, और क्रॉस विंड इतनी ज़्यादा है ना, बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। वी आर क्लोज टू सुसाइड पॉइंट, बस किसी भी मोड़ के बाद आ जाएगा, और आ गया है। मैं मेरे ख्याल से यही है सुसाइड पॉइंट, ये नहीं है पक्का है। चलो फिर, चलो 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 चलो। बस आने वाले सर, मेरे ख्याल से तो वही लगा, मेरे को पता नहीं क्यों लगा या जो भी। पर अरे अरे ये है। अरे नहीं यार, कहाँ है? है नहीं, चला गया, गायब, खत्म, दी एंड। बहुत ज्यादा तेज, अरे ये है सुसाइड पॉइंट। ऑल राइट, ये है द फेमस सुसाइड पॉइंट। ये सब पहले नहीं था यहाँ पे। तो भाई लोगों, अभी हम हैं सुसाइड पॉइंट पे, नहीं मैं अभी सुसाइड पॉइंट पे नहीं हूँ, मेरे पीछे सुसाइड पॉइंट है। और कुछ देर पहले, लगभग सिर्फ 5 मिनट पहले, इतनी ज़्यादा तेज़ हवा चल रही थी ना, बाइक गिरने वाली हो गई थी, भाग के बाइक को पकड़ना पड़ा। और फिर हवा चलती है तो ऊपर से पत्थर गिरते हैं, ऊपर से पत्थर लग गए गिरने। तो देख लेना, अगर हवा चल रही हो तो आप किसी भी पहाड़ के या ऐसे कोई चोटी या मतलब ऊपर पहाड़ हो तो उसके नीचे ना खड़े हुए हो तो ज़्यादा सही रहेगा। और एक और चीज़, आप ड्रॉप देखो, बहुत ही ज़्यादा गहरी ड्रॉप है, बहुत ही ज़्यादा गहरी, और मेरे को लगता है नीचे तक ही जा रही है सीधी रिवर बेड तक। और एक और चीज़, एक हफ्ते पहले की न्यूज़ है, शायद कोई व्यक्ति या औरत फोटो खींचता हुआ गिर गया। तो अगर आप फोटो खींच रहे हैं, एकदम देख के ध्यान से फोटो खींचिएगा। तो चलो अभी होटल का रूम लेना है, लंच करना है, बहुत ज़्यादा भूख लगी है, बाइक पे मिलता हूँ आपको। तो भाई लोगों, चेंज ऑफ प्लान्स वंस अगेन। कल्पा में हम गए, वहाँ पे होटल वगैरह, होम स्टे वगैरह ढूंढे, कुछ अच्छा नहीं मिला। और कल्पा में ना कुछ पॉजिटिव वाइब्स नहीं मिल रही थी हमें, तो थोड़ा मैं रिकॉम्पी हमने ट्राई किया, तो वो तो वैसे ही ओवर कमर्शलाइज, वो ओवर तो नहीं है ना, पर कमर्शलाइज जगह है वो। और अगर ऐसी जगह पे रुकना ही है तो फिर हम मारकंडा या रामपुर वगैरह भी कहीं रुक सकते हैं, रुक सकते हैं। तो बस फिर यही था, तो हमने सोचा कि अब रामपुर रुकते हैं। अभी हम जा रहे थे रामपुर की तरफ, और जब हम परसों इसी रास्ते से आ रहे थे तो अंधेरा हो चुका था, और हमने ये चीज मिस कर दी थी। ये जो रोड है, क्लिफ हैंगर रोड कह लो इसको, क्लिफ हैंगर तो नहीं है वैसे, क्लिफ हैंगर ही है तरह से, चलो जो भी कह लो। और ये पत्थर है, पत्थर को काट काट के रोड बनाई हुई है, और बीच बीच में ऐसे रहेगा जैसे
और बीच बीच में ऐसे भी रहेगा जैसे छत है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। वैसे लगभग सभी ने ये पार्ट देखा ही होगा किन्नौर का, और अगर कोई साउथ इंडिया से है और मे बी जिसने ये नहीं देखा है, कोई उत्तराखंड से है या जिसने ये वाला एरिया एक्सप्लोर नहीं किया है, तो वो लोग ये वीडियो तो ये वीडियो इन लोगों के लिए है। ओके, लेट्स होप के ये देखो जैसे ये वाला है, और आगे बहुत ज्यादा मिलेगा ऐसा, तो देखते हैं और आपको दिखाता हूँ। और केडी भैया आगे निकल चुके हैं काफी, और मैं कैमरा ऑन करने के लिए रुका था, एक बार माइक सेटअप करने रुका था, और भैया केडी भैया निकल गए। तो ये है वो जो सेक्शन में आपको बता रहा था, ऊपर देखो छत है, पहाड़ की छत है ये कह लो, ये देखो। मैं इमेजिन इमेजिन कर रहा हूँ, मान लो कि यहाँ पे पीक विंटर्स में आया जाए और ये सारा एरिया सफेद हो, क्या ही नजारा, क्या ही बढ़िया, जैसे कहते हैं ना कि दिलकश दिलकश नजारे, वो वाला सीन होना था। केडी भाई को देखता हूँ कहाँ पे है केडी भाई, केडी और ये मेरे ख्याल से 10 किलोमीटर का सेक्शन तो होगा ही। और हॉर्न जरूर दे, ब्लाइंड टर्न जाए वाले, और ये है भी ऐसी रोड रोड ऐसी है कि ना आप इधर निकल सकते, चलो ये तो है थोड़ा सा, और मान लो आगे से यहाँ कुछ है, ना आप इधर जा सकते हो ना आप इधर जा सकते हो, एक तरफ खाई दूसरी तरफ पहाड़। तो केडी भाई को ढूंढते हैं, केडी भैया कर रहे होंगे अपनी ब्लॉगिंग। केडी भैया का चैनल है मोटे मुसाफिर, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, चेक करना, अच्छी वीडियोस बनाते हैं। ये मंदिर है कोई, जय माता दी, बाहर से माता टेक लेते हैं। और क्या, और रोड की बात करें, रोड अच्छे हैं, सड़क, बाइक की बात करें, बाइक परफॉर्मिंग वेरी वेल। तो इस समय मैं हूँ द फेमस, इसको कहते हैं द सेकंड सेकंड गेट ऑफ किन्नौर, और ये पहाड़ है, बहुत बहुत बड़ा पहाड़ है, और उसको बीच में से काट के रोड बनाई गई है। ये है मेरे पीछे गेट, अंधेरा काफ़ी हो चुका है वैसे, दिख रहा होगा। तो अब चलते हैं आगे रामपुर की तरफ, भूख लगी है बहुत ज़्यादा, और खाते हैं पीते हैं कुछ। The very next evening. तो गाइस गुड मॉर्निंग सबको, और कल रात हमने बाइक की थी, एक समय पे हम थे शायद रामपुर के आसपास होंगे, और हम रुके हैं कुफरी के आगे पीछे हैं शायद, एक जगह है मतियाना, मतियाना हाँ, और रात को बर्फ पड़ी है, और देखो आप